अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो ये जी हो रहा था सुबह का टाइम, और सुबह में अदन मेरे साथ पीछे पीछे किचन में आ गए थे, और सुबह होते ही हमारे घर में मजदूर आ जाते हैं वो मजदूर ऐसे आ जाते हैं कि अदन सुबह जब उठते हैं ना, तो फिर अदन कोई ना कोई चीज़ लेके ठोका पीटी शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर अदन के हाथ में जो छोटा सा बेलन था, अदन उससे जो है वो ड्रॉस को ठोक देते। और यहाँ पे जी मैं आज बना रही हूँ बेसन का चीला। तो ये मैंने अक्सर सर्वर की वीडियोस में बहुत ज़्यादा देखा है, तो मुझे अच्छा लगा था, तो फिर मैंने सोचा आज मैं ख़ुद भी ट्राई करती हूँ। मैंने हाफ कप बेसन लिया था, और हाफ कप इसलिए लिया था कि पता नहीं कैसा बनेगा, तो वरना वन कप ही लेते हैं ज़्यादातर तो। और मैंने हाफ कप लिया था, आइडिया नहीं था मुझे कैसा होगा। और फिर मैंने यहाँ पर ली थी एक प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। साथ में मैंने पुदीना लिया था, और हरी मिर्चें ली थी। ग्रीन चिली सिर्फ एक ही ली थी, क्योंकि फिर वो तेज़ हो जाती। थोड़ी सी मैंने यहाँ डाली हैं कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा नमक, ज़ीरा और थोड़ी सी हल्दी। अब मैं इन सब चीज़ों को डाल के मिक्स कर लूँगी, और फिर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, और फिर इसको मैं थोड़ा पतला सा बैटर तैयार कर लूँगी। पानी ऐसा ऐसा ही मैंने डाला था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, फर्स्ट टाइम मैं बना रही थी कि पत्नी कितना पतला रखना है और कितना थिक रखना है, तो मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था। तो मैंने इसीलिए ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाया। और बना कैसा था? बना बहुत अच्छा था, टेस्ट में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जो है ना, मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया ना, तो मुझसे वो सही बन ही नहीं रहा था। मतलब डाल तो मैंने दिया था, लेकिन वो जब मैंने टर्न करने की कोशिश की, एक तो मेरा सबसे पहले वो चिपक गया। शायद मैंने ज़्यादा प्री हीट नहीं किया था, उसके लिए तो ज़्यादा प्री हीट करना होता है पैन को, तो फिर मैंने कम किया था, तो मुझे लगा शायद ये इस वजह से जो है वो चिपक गया था। तो ये देखें, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मैंने कितना पतला इसको रखा था। लेकिन मैंने जो है ना, इसमें स्टार्ट में सोडा नहीं डाला था। जब मेरा ये ज़्यादा चिपक लगा, तो फिर मैंने इसके अंदर सोडा शामिल कर दिया था, थोड़ा सा, बिल्कुल जो मीठा सोडा होता है ना खाने वाला, वो मैंने इसमें ऐड किया था, तो फिर उससे नहीं चिपका था। और यहाँ पे फिर मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाला, और फिर मैं इसमें ये बैटर डाल दूंगी। ये मैंने सबसे पहला बनाया था, और ये बहुत बुरी तरह चिपक गया था। इसको टर्न करना इतना मुश्किल हो रहा था, पहले तो ये उखड़ ही नहीं रहा था बहुत मुश्किलों से, फिर नॉन स्टिक है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा चिपक गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पक नहीं रहा, मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें घी शामिल करे जा रही थी। लेकिन खैर, उनका तो बहुत अच्छा बनता है कम उसमें। अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसकी क्या ट्रिक होती है। तो ये देखें, ये पे मैंने बड़ी मुश्किल से इसको उखाड़ा था, और टर्न करने में भी ये मुझसे सारा टूट गया। और अगर वैसे ही किसी को पता जो ये बेसन का चीला बनाते हैं, तो मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन मुझसे इतना अच्छा बना नहीं था। लेकिन खैर, बाद में जब मैंने इसमें मीठा सोडा शामिल कर दिया था, तो फिर उसके बाद मेरे दो ठीक बने थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर दोबारा ट्राई करूँगी, तो फिर आप लोगों को भी बताऊँगी। और ज़रूरी नहीं है ब्रेकफास्ट में बनाएं, आप लोग खाने में भी बना सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था इसका टेस्ट। और यहाँ साथ में मैं चाय भी निकाली थी, कि मेरा सेकेंड वाला है, तो ये बहुत बेहतर था। फर्स्ट के नस्बत तो ये बहुत बेहतर था, क्योंकि ये इतना ज़्यादा जो है ना चिपका नहीं था, ये इजीली बन गया था। और यहाँ पे साथ में मैंने चाय निकाल ली, ये मैं डाल रही हूँ अपना थर्ड, बस थोड़ा सा ही बैटर बचा था, तो फिर मैंने इसी को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया था। और इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि फिर मैंने सेकेंड और थर्ड किस तरह से मैंने इसमें से पैन में से निकाला था। खाने में इसका टेस्ट ऐसा था जैसे पकोड़े खा रहे हो आप लोग, बेसन के जो पकोड़े बनते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह का इसका टेस्ट लग रहा था। इसमें वैसे तो ज़्यादातर लोगों को मैंने जो देखा था, तो उन्होंने हरा धनिया डाला था, लेकिन मैंने इसमें पुदीना डाला था, क्योंकि पकोड़ों में मुझे पुदीने का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फिर मैंने इसमें भी पुदीना, हरी मिर्चें और प्याज शामिल किए थे। जब ये इस तरह से कुक हो गया, तो फिर मैंने इसको जो है टर्न किया, मैंने फिर जो है ना इसको मैंने पूरा उखाड़ने की कोशिश नहीं की, मैंने इसी तरह पकड़ के इसको आहिस्ता आहिस्ता निकालने की कोशिश की, तो फिर ये इस तरह से मतलब साबुत निकल गया था, टूटा नहीं था। जैसे मेरा पहला वाला टूट गया था ना, ये उस तरह का नहीं हुआ था, सेकेंड और थर्ड बिल्कुल ठीक बने थे। अभी मैं आप लोगों को सेकेंड भी दिखाऊँगी कि वो किस तरह का बना था, और फिर देन थर्ड। तो यहाँ पर ये मैंने इसको निकाल लिया है पूरा, मैं इसको टर्न कर रही हूँ, ये देखें, तो ये अच्छे से टर्न हो गया। और बहुत सिंपल है, बहुत झटपट बनने वाला है, लेकिन इसको जो है ना बेसन में जब आप मिक्स कर लें, तो फिर इसको थोड़ी देर के लिए स्टे देना ज़रूरी है। तकरीबन हाफ आवर के लिए आप इसको स्टे दें, तब जाके ये ठीक बनेगा। और यहाँ पे ये देखिए, मेरा सेकंड चीला है ये,
बेसन का चीला, नाम इसका यही है तो फिर मैंने यही बोला। और ये थर्ड है, बेहतर बना है बहुत माशाल्लाह से। और फिर दिन के खाने की तैयारी थी, तो दिन में बने थी दाल और साथ में मैंने इसके चावल भी बनाए थे। यहाँ पे मेरी दाल तैयार हो चुकी थी और फिर मैंने साथ में इसका भगार भी तैयार कर लिया था। तो अब मैं दाल में भगार लगाती हूँ और आज फ्राइडे भी है तो आप लोगों को बच्चे को भी दिखाती हूँ कि अदन क्या कर रहे हैं और फ्रेंड क्या करेंगे। तो यहाँ पे अदन साहब हमारे बैठे हुए हैं चेयर पे और ये चेयर पे बैठते हैं और उसके बाद फिर गिरने की कोशिशें करते हैं इससे। यहाँ पे मैं अदन को बार बार ये स्पैचुला उठा के दे रही थी और ये अदन फेंके जा रहे थे। फिर इसको उठाने के चक्कर में अदन झुकते हैं और फिर गिरने की कोशिशें करते हैं। ये भी पूरा इस चेयर को लेके गिरने लगेंगे। फिर मैं इसको संभाल लेती हूँ और फिर ये उठा के फिर फेंक देंगे। मैं अभी दे रही हूँ, ये देख, अदन के ऐसे ही खेल होते हैं, कोई चीज़ हाथ में लेनी नहीं होती, वह उठा उठा के नीचे फेंकते हैं, फिर उसको उठाने के लिए झुकते हैं और गिर जाते हैं। ये देखें कैसे फेंका और इसको उठाने के चक्कर में अदन गिर भी जाएंगे। और अदन पे वाइट कुर्ता शलवार कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अदन को मैंने जल्दी रेडी कर दिया था, हुरैन को भी रेडी नहीं किया था। यहाँ पे मैं अदन के जो है सर्दियों के कपड़े पैक करके रख रही थी, गर्मियों के लिए निकाल रही थी, तो अदन जो है वो ऊपर से सारे कपड़े खोल खोल के नीचे फेंक रहे थे। यहाँ पे देखें अदन के काम, ड्रॉज में अपना हाथ रख के बंद कर रहे हैं। अदन, अदन, मुँह में क्या है? हाँ, क्या है मुँह में आपके? इधर आए, जल्दी से इधर आए, कम हेयर, अदन कम हेयर, हाँ, हाँ, आ जाओ, शाबाश। ये देखें अदन ने कैसे कपड़े अपने सारे खोल खोल के फेंके और खुशी देखें। मैं बुला रही हूँ और मुझे मना कर रहे हैं नहीं 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 नहीं। अदन को किसी काम से रोको, अदन आगे से गर्दन हिला देते नहीं नहीं। और ये देखें फिर स्टार्ट, इधर क्या हो रहा है। और यहाँ पे मैं अदन को डांट रही थी लेकिन अदन पे कोई असर नहीं होता। ये देखें काम, देखें आप अदन के, मी ड्रॉ से सॉक्स निकाले और सॉक्स से डस्टिंग शुरू होगा और यहाँ अदन अपने बिप से डस्टिंग कर रहे हैं। ये देखें सफाइयों का शौक देखें। ये फिर अदन आएंगे और ये देखें सारे कपड़े अदन ने इसी तरह नीचे फेंके खोल खोल के। अब अदन उस वाली ड्रॉ से सामान निकालने जा रहे हैं, वहाँ से भी सारा सामान निकाल के फेंकेंगे। सारे कपड़े मैंने इस तरह से सेट कर लिए हैं, रोम्पर्स वगैरह और जितने भी थे सॉक्स वगैरह सब कुछ मैंने इस तरह से तय कर लिया। और मैं इनके जो है ना पैकेट्स बना के रख देती हूँ, अदन के अलग हुरैन के अलग, तो फिर इस तरह जब नेक्स्ट टाइम यूज़ करने होते हैं तो फिर वो इजी रहते हैं। वैसे तो अदन के नेक्स्ट ईयर ये सब कपड़े आएंगे नहीं। ये देखें यहाँ पे मैंने इस तरह से तय करे हुए कपड़े इस तरह से पैकेट में करके रख दिए हैं और अब मैं इनको ऊपर कबर्ड में रख दूँगी। नीचे की कबर्ड में तो इतनी जगह नहीं होती, तो ये जो ऊपर वाला स्पेस है यहाँ पर मैं सब कपड़े रखती हूँ। यहाँ पर ईजी रहता है, ऊपर अगर कबर्ड में एक्स्ट्रा जगह हो तो आप लोग ब्लैंकेट वगैरह, कम्फर्टर, बच्चों के सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, तो सब मैं इसी में ऊपर रखती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर न्यू आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। हमें दुआ में याद रखिएगा, हम लेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।